Hello friends, once again welcome back to the Core Chemical Engineering channel. So today in this video I will be discussing about the hydrostatic equilibrium. Okay, but this is the tutorial number 2 in the series of fluid mechanics lecture. Okay, in the previous lecture I have already told about the introduction to fluid mechanics. Okay, so here we'll discuss. Okay, so first of all, what is hydrostatic equilibrium? So a fluid is said to be in hydrostatic equilibrium when fluid is at rest, or in other words you can say as when the fluid velocity at each point is constant over time. Okay, when fluid velocity at each point is constant over time, then at that condition we can say as fluid at rest. And okay, this situation is called as hydrostatic equilibrium. So let's see. So you can see it here. In a stationary mass of single static fluid, the pressure in any cross section parallel to the earth's surface is same, but varies from height to height and is given by the equation P2 minus P1 by rho plus GZ2 minus Z1 is equal to 0. तो जो कोई fluid, static fluid जो इस relation को follow करेगा वो क्या है, hydrostatic equilibrium condition में होगा, right? अब देखते हैं प्रेशर इनसाइड अ फ्लूड. ओके, सपोज कोई एक वेसल है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया, इसमें चारों साइड से अगर इसके ऊपर प्रेशर सेम लगता है, ओके प्रेशर इज सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन जब फ्लूड हमारा स्टैटिक कंडीशन में होता है, तो इसी को बेसिकली इन अदर टर्म्स वी कॉल इट एज पास्कल्स लॉ. ओके, इवन इफ वी टेक द 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सो यर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, अगर ये सारे एक ही लेवल में हैं तो सारे पे क्या होगा, प्रेशर आपका सेम होगा एट द सेम अल्टीट्यूड. गेट में आई गेस इन 2011 और समथिंग वन क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, ऐसे इस टाइप का एक शेप दे दिया, देन अगेन कुछ ऐसा शेप दे दिया, देन अगेन कुछ अलग से ऐसा शेप दे दिया था, और तीनों का क्या हाइट पे अलग अलग पॉइंट पे, मतलब ऐसा आपको P1, P2, P3 दे दिया था. उस केस में आपको चार ऑप्शन दिया गया था कि वन P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 आर P1 इज ग्रेटर देन P2 आर इक्वल टू P3, ऐसे चार ऑप्शन दिए होते, तो उसमें क्या होगा, जो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था. आई चेक दैट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स डू द फोर्स बैलेंस. ओके, सो कंसिडर अ वर्टिकल कॉलम ऑफ फ्लूड ऑफ कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन एस, कंसिडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ थिकनेस DZ. मतलब कोई एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक हमारा ये क्या आपका क्यूबिकल है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बैलेंस करेंगे, राइट. तो इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, ये आपका क्या DZ नाम का एक DZ, ये एक एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम करेंगे, और हम बाद में एक्सटेंड करेंगे टिल जेड तक. ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका S है, फ्लूइड डेंसिटी रो है, P इज द प्रेशर फ्रॉम द बॉटम साइड, P+dP प्रेशर है मतलब आपका अप साइड से, एलिमेंट के अप से. ओके, सो फोर्स कौन कौन से लगते हैं इस एलिमेंट के ऊपर हम पहले देखते हैं, देन विल डू द फोर्स बैलेंस, राइट. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, सो फर्स्ट फोर्स इज वेट ड्यू टू फ्लूड अबव द एलिमेंट. तो मतलब ये एलिमेंट के ऊपर जो भी वेट है उसका जो फोर्स लग रहा है, ओके वेट बिकॉज ऑफ द वेट, तो वेट क्या होगा आपका P+dP फोर्स लग रहा है इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपका क्या फोर्स आ जाएगा, राइट. नाउ वेट ऑफ द एलिमेंट, जो DZ एलिमेंट लिया उसका वेट, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. थर्ड पी फोर्स ड्यू टू प्रेशर बिलो द एलिमेंट, तो जो प्रेशर फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इसके बॉटम से लग रहा है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. और ये जो ऊपर वाला P+dP जो फोर्स है अप फ्लूड एलिमेंट और वेट ऑफ द एलिमेंट, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे, मतलब एक्ट करेंगे. नाउ विल डू द फोर्स बैलेंस, तो पहले क्या P+dP इंटू एस क्रॉस सेक्शन हो गया. नाउ वेट, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स MG, तो रो डेंसिटी हो गया, एस इंटू DZ क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया एस है तो DZ क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू दैट हाइट, मतलब क्या हो गया आपका वॉल्यूम, तो इस एलिमेंट का एलिमेंट क्या हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी रो है तो मास हो गया, तो रो एस DZ इंटू जी, ये क्या है मास हो गया इंटू जी, माइनस PS प्रेशर बॉटम साइड से और एस क्रॉस सेक्शन एरिया. अब इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा, सो ये हम इसको अगर सॉल्व करेंगे विल फाइंड दैट DP प्लस रो जी DZ इज इक्वल टू जीरो, सो DP बाय रो प्लस जी DZ इज इक्वल टू जीरो.
नाउ अगर हम जेड वन टू जेड टू को इसको इंटीग्रेट करते हैं, पॉइंट जेड वन से जेड टू किस एलिमेंट को, तो एक पॉइंट पे प्रेशर पी वन होगा यहाँ पर पी टू, तो पी टू माइनस पी वन बाय रो प्लस जी जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, मतलब कोई भी फ्लूड ओके रेस्ट कंडीशन में है और हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो यही आपका क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। ये क्वेश्चन है जो मैंने पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस किया था, इसका डेरिवेशन है। ओके नाउ मूव टू द बैरोमेट्रिक क्वेश्चन। बैरोमेट्रिक क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम एज्यूम करते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस करते हैं, तो जो यहाँ पे क्या होता है लिक्विड के, इसमें हम डेंसिटी जनरली कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या डेंसिटी हमने कांस्टेंट ले लिया इंटीग्रेशन के टाइम में, बट अगर वो एयर है तो क्या होता है विथ प्रेशर उसका डेंसिटी चेंज होता है, तो वी नीड टू अकाउंट दैट आल्सो। सो हेयर विल टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेंसिटी आल्सो, ओके वी कैन टेक एज कॉन्स्टेंट। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एम बाय आर टी आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करते हो एन क्या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट डिवाइड बाय वी क्या डेंसिटी आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में रहेगा तो पी एम डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपको रो, तो रो इक्वल टू पी एम बाय आर टी। सो डी पी बाय रो प्लस जी डी जी डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाले रिलेशन जो आपका आया यहाँ पे, इसमें क्या है रो की जगह पी एम बाय आर टी हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो पी एम बाय आर टी, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम फाइनल वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये आएगा, ये रिलेशन आएगा P2 by P1 is equal to exponential minus mg z2 minus z1 divided by rt. So this is the equation. Please do remember this formula. Okay, P2 minus P1 is equal to exponential minus mg by rt into z2 minus z1. तो ये relation बहुत बहुत important है, कई बार गेट में इसके ऊपर सारे direct question पूछा गया है one or two times. Okay. Now we'll see here hydrostatic equilibrium centrifugal field. मतलब क्या इस वाले केस में hydrostatic equilibrium कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो फ्लूड रोटेट करेगा, लेकिन अगर जो रोटेटिंग फ्लूड आपका उसका वेलोसिटी एट ईच पॉइंट कांस्टेंट होगा ओवर द टाइम, ओके, तो उस केस में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है इन सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है उसका, आपका फ्रंट व्यू है, जैसा कोई वेसल आप ले लो तो उसका क्या है फ्रंट व्यू है, और खूब तेज़ी से रोटेट कर रहे हो, तो ये ब्लैंक वाला फॉर्म बनेगा और उसमें ये क्या फ्लूड वाला फॉर्म बनेगा, करेक्ट, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके तो हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं, डी आर एलिमेंट ले रहे हैं उस सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ देख सकते हैं कंसीडर अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ थिकनेस डी आर, लेट डेंसिटी ऑफ फ्लूड इज रो, सो डी एफ क्या हो जाएगा हमारा फोर्स डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओके तो फोर्स क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा तो ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन जो हमारा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। तो फोर्स इक्वल टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब डी एम क्या है, डी एम कैसे निकालोगे आप, अभी डी एम निकालना है तो डी एम किस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, करेक्ट, तो डेंसिटी हमारा ये हो गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सपोज ये आर रेडियस है ये डी आर है, तो क्या करोगे आप पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये करोगे तो आप यू विल फाइंड दैट कि जो आपका नेट एरिया चेंज आता है वो क्या आता है टू पाई आर डी आर आता है, करेक्ट, तो टू पाई आर डी आर मतलब आपका आएगा कि डी आर के स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो टू पाई आर डी आर अगर आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा इंटू विड्थ, तो क्या हमारा मतलब ये विड्थ बी आ जाएगा, तो टू पाई आर डी आर इंटू बी हमारा एरिया आ जाएगा, टू पाई आर डी आर इंटू बी क्या हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इंटू डेंसिटी तुम्हारा क्या मास आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब डी पी इक्वल टू डी एफ बाई ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है टू पाई आर एच होता है, तो टू पाई आर तुम्हें पता है बी मतलब उसका लेंथ ले सकते हो, तो टू पाई आर इंटू बी ये कट जाएगा और डी पी इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डी आर। नाउ इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पी वन टू पी टू डी पी हेयर यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम आर वन टू आर टू एज अ इंटीग्रेशन लिमिट। सो इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट यू विल फाइंड दैट डेल्टा पी वैल्यू ओके पी टू माइनस पी पी वन इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी एफ पी एस सिस्टम पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी सी इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, मतलब कोई भी फ्लूड मतलब सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में इन हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी होगा जब वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, करेक्ट। तो आपके थ्री डेरिवेशंस हो गए,
इन द फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके नाउ एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. तो इसके बेसिकली आप देखेंगे एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन है. पहला तो ये मैनोमीटर. तो मैनोमीटर क्या यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस. तो मैनोमीटर क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर द डेल्टा पी. ओके चेंज इन प्रेशर. और लेटर उसको क्या कभी कभी लोग फ्लो में कैलिब्रेट करके उसको फ्लो मीटर में भी उसको यूज़ कर लेते हैं. करेक्ट. तो इसमें भी होता है क्या, डिफरेंशियल मैनोमीटर. उसमें डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक तो आता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर आता है, फिर दूसरा आपका क्या आता है, इंक्लाइन मैनोमीटर आता है. राइट. तो हम सबसे पहले क्या देते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूट्यूब मैनोमीटर विल सी. ओके तो आपका क्या, ये यूट्यूब मैनोमीटर का एक सिंपल सा सेटअप दिखाया गया है. ओके एक फ्लूड ये हो गया 0.223 पॉइंट का. क्या फ्लूड क्या आपका, ये फ्लूड हो गया. दूसरा फ्लूड आपका कौन सा हो गया, रोए ए, मतलब जो इसका फ्लूड क्या हो गया, ये ए रोए हो गया. और इस वाला ये वाला फ्लूड आपका क्या हो जाएगा, जिसका डेंसिटी क्या है, रोवी है. करेक्ट. अब सबसे पहले इसमें हमें क्या करना, हाइड्रोस्टैटिक क्या है, बैलेंस करना. ओके तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रेशर हमेशा एक बॉटम लाइन से होगा, जहाँ से दोनों का एक टू और थ्री एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, जहाँ से जिसके बिलो डेंसिटी का वेरिएशंस ना हो. कोई भी न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है तो एक डेटम लाइन तुरंत आप ऐसा ड्रा करो जहाँ से सबसे मिनिमम वाला जो लेवल, जहाँ से डेंसिटी का वेरिएशंस ना हो और वो सेमी फ्लूड हो. तो यहाँ कर देंगे तो ये वाला लाइन जो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, इसके ऊपर हमें प्रेशर बैलेंस करना रहता है. तो एट पॉइंट टू पर प्रेशर हमारा क्या जाएगा, जो पी ए ऊपर से प्रेशर लग रहा है, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट कैन बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम इन ए पाइप सिस्टम देन उस पाइप के अंदर जो प्रेशर आएगा उसका प्रेशर आ जाएगा. राइट. अब पी ए सपोज हमारा प्रेशर यहाँ पी ए लग रहा है, प्लस जो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब ये जो हाइट आपका है उसकी वजह से जो हमारा आपका प्रेशर आ रहा है. राइट. बिकॉज ऑफ द हाइट. तो हाइट में क्या हमारा जेड एम प्लस आर एम, हमारा क्या नेट हाइट हो जाएगा. तो रो इंटू जी इंटू एच. तो रो ए डेंसिटी क्या है हमारा, यहाँ पे रो ए है इंटू जी इंटू एच. हमारा क्या एच यहाँ पे क्या है, आर एम प्लस जेड एम टोटल हाइट एच. तो एच की जगह हमने डायरेक्ट यहाँ पे आर एम प्लस जेड एम लिख दिया. सो प्रेशर एट पॉइंट थ्री. सो इफ यू कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट थ्री देन हेयर इज द पी बी, ये प्रेशर हो जाएगा प्लस इतने हाइट जो आपका है इतने का प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा आपका रो ए इंटू जी इंटू ए जेड एम हो जाएगा. दूसरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या डेंसिटी अलग है, तो ये क्या जाए रो बी इंटू जी इंटू आर एम. नाउ यू हैव टू डू द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो उसको हम निगलेक्ट कर दिया डायरेक्ट. तो क्या आपको इन दोनों को क्या इक्वल कर दो. अभी इक्वल करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा नेट क्या आ जाएगा, यह पी ए माइनस पी बी इक्वल टू जी आर एम रो ए माइनस रो बी. सो दिस इज यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस. करेक्ट. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर. कई बार इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया. कभी कभी दो या तीन फ्लूड अंदर दे देगा. ओके यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा दे देगा, यहाँ पे कम दे देगा. सो इन सब के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व इट. ओके फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ इंक्लाइंड मैनोमीटर. सो इंक्लाइंड मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस. अभी क्या था आपका डेंसिटी वेरिएशन बहुत कम होता है, और तो उस केस में क्या है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस हमें करना है तो क्या करते हैं, हम इंक्लाइन मैनोमीटर यूज़ करते हैं. और इसमें एक जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है इंक्लाइन मैनोमीटर का, ये लार्जर डायमीटर का ये वाला सेक्शन बना जाता है. रीजन इज दैट दिस इज मेड ऑफ लार्जर डायमीटर बिकॉज बाय स्मॉल प्रेशर देर इज ए लार्ज राइज ऑफ लिक्विड इन द राइट साइड ऑफ मैनोमीटर. मतलब यहाँ थोड़ा भी प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा भी डाउन जाएगा, लिटिल बिट ओनली, तो जो इसके द्वारा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा हमें हाइट मिल जाता है. ओके तो हमारा एरर कम आ जाएगा. ओके देन वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंशियल प्रेशर. ओके अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेम फंडा लगाना है. फ्रूट यहाँ पे सेम है, हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है रेफरेंस पॉइंट जिसके नीचे हमारा डेंसिटी सेम हो. तो एक लाइन यहाँ पे हमने ऐसा ड्रॉ किया. करेक्ट. अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या करना, अपने प्रेशर बैलेंस कर देना यहाँ पे. अभी इस पे कितना लग रहा है प्रेशर, ये पी ए लग रहा है प्लस रो ए रो जी एच. तो रो ए अभी लेंथ कितना, मैंने यहाँ से यहाँ तक का दोनों का आर एम लिया है इसको एक्स. तो ये एच भी लेते हो तो एच इज इक्वल टू एक्स प्लस आर एम. रो जी एच रो ए इंटू एक्स एक्स प्लस आर एम, ये आपका एच हो गया इंटू जी. तो इस साइड का आपका प्रेशर ये हो गया. इस साइड का अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, एक्स यहाँ से यहाँ तक का है जहाँ से अपना मेनिस्कस बना है. तो ये तो पहला नंबर प्रेशर पी बी हो जाएगा जो उसके अपवर्ड लगेगा, पी बी प्लस
क्या एक्स इंटू रो ए, इसका क्या है रो ही डेंसिटी है, रो इंटू जी, यहाँ से यहाँ तक का क्या आर एम है, तो क्या आर एम इंटू रो बी, इसका डेंसिटी क्या रो बी इंटू जी, बट हमें आर एम ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये लेंथ हमें स्केल में दिखेगा, आर वन दिखेगा। तो उसको क्या करना है हमको, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू आर एम जी, आर एम इंटू जी रो बी माइनस रो ए। ओके, अब क्या है आर एम निकालना है, तो आर एम क्या हमें आर वन दिया रहेगा, तो आर वन क्या है ये हमें एंगल हमेशा जो इंक्लाइन मैनोमीटर का ये अल्फा एंगल है ये हमेशा दिया रहता है। तो जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये आर वन साइन अल्फा आएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये वाला वाई एक्सिस का क्या आ जाएगा आर वन साइन अल्फा, ये नीचे क्या आ जाएगा आर वन कॉस अल्फा, और सॉरी आर कॉस थीटा, और ये वाला सॉरी ये कॉस थीटा में आता है इधर, ये साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर। तो आर एम इज इक्वल टू आर वन साइन अल्फा और थीटा, मतलब जो भी रखना, अगर अल्फा रख रहे हो तो अल्फा, थीटा रख रहे हो तो थीटा रख दो, करेक्ट। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू आर वन जी रो बी माइनस रो ए इंटू साइन अल्फा, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इंक्लाइन मैनोमीटर, करेक्ट। नाउ दूसरा अप्लीकेशन सिंपल मैनोमीटर, तो ये काइंड ऑफ पीजोमीटर है, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर्स एंड यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। जो गेज प्रेशर हमारा मेजर करता है वो यही होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर होता है। तो प्रेशर यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं, इंटू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर्स, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और आपका जो वैक्यूम प्रेशर होता है उसके बीच में रिलेशन। तो ये डिफिनेशन पढ़ने से पहले विल सी दिस डायग्राम। ओके, सो हियर वाई एक्सिस इज टेकन एज अ प्रेशर एंड ऑन द एक्स एक्सिस टेकन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब प्रेशर यहाँ पे भी ये क्या है एब्सोल्यूट, जो वर्टिकल लाइन का ये वाला है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये गे वैक्यूम प्रेशर है, ये गेज प्रेशर है, और ये डेटम लाइन जो एक दिया हुआ है ये क्या है एटमोसफियर प्रेशर। सबसे पहले जब आपका गेज प्रेशर, हमेशा इंडस्ट्री में हम लोग क्या मोस्टली मेजर करते हैं पम्प में या वेसल में, वो क्या लिखा होता है गेज, पीजी लगा होता है प्रेशर गेज। ओके, तो उसको क्या मिलेगा गेज प्रेशर। अब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना, सबसे पहले अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जाता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस गेज प्रेशर, क्योंकि यहाँ तक का तुम्हारा एटमॉस्फेरिक है, तो ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकेंड केस, जब गेज प्रेशर आपका निगेटिव शो करेगा, तो वो जो निगेटिव ये वैल्यू आपका आता है इसी क्या बोलते हैं लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो उसमें क्या हमारा निकलेगा, तो जो आपका वैक्यूम प्रेशर बेसिकली निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख भी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, करेक्ट, एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर वैक्यूम प्रेशर क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से यहाँ तक, एटमॉस्फेरिक क्या यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ये बचा आपका क्या हो जाएगा गेज प्रेशर हो गया। तो ये डिफिनेशंस दिए हुए हैं, यू कैन रीड द डिफिनेशन, तो ये सेम ही है जो मैंने अभी बोला, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द विस्कोसिटी, सो व्हाट इज विस्कोसिटी, सो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू क्या है विस्कोसिटी का यूनिट, विस्कोसिटी है इसको शो करते हैं, टाउ क्या है शेयर स्ट्रेस है, डी यू बाई डी वाई क्या है आपका ग्रेडियंट है, वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो ये सारा यूनिट ऑफ म्यू क्या है के जी पर मीटर पर सेकेंड, सो म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई। ओके, नाउ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट फॉर द फ्लूड। ओके, तो फॉर लिक्विड के लिए जो रिलेशन दिया है आपका म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वन डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और अल्फा बीटा आपका बोला गया है आर कॉन्स्टेंट फॉर द लिक्विड। ओके, टेम्परेचर क्या डिग्री सेल्सियस में है, ओके विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड एट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका आएगा पॉइज में हमें लेना है अपने को, म्यू नॉट भी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट म्यू नॉट क्या है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो म्यू तो जिस टेम्परेचर में निकालना है उस टेम्परेचर पर हम निकालेंगे, म्यू नॉट क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे रेफरेंस के लिए लिया, और अल्फा बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और टी तो आप जानती हैं टेम्परेचर कितना टेम्परेचर, वो टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और टेम्परेचर भी आपका डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। फॉर गैसेस के लिए ये रिलेशन फॉलो करता है। ओके, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय अल्फा, और अनदर टाइम म्यू इज इक्वल टू न्यू इनटू अल्फा, तो द यूनिट ऑफ न्यू इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। ओके, नाउ विल सी द कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर, सो डिकेंटर का पर्पज क्या होता है सेपरेशन ऑफ द लिक्विड बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस, मतलब
कोई एक वेसल ले लेंगे, उसमें कोई फीड इनपुट करेंगे, फीड इनपुट करेंगे तो क्या है उसमें डिफरेंट डेंसिटी का फ्लूड फीड इंटर करते हैं, तो क्या था बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशंस क्या एक लेयर दूसरे लेयर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो एक इंटरफेस लेयर बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डिकेंटर मतलब नीचे का बॉटम पोर्शन ऊपर गया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो आपका हायर डेंसिटी फ्लूड है वो नीचे नीचे अपना निकल जाएगा, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी डिकेंटर, मतलब डिकेंटर बोलते हैं, और कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर। सो वी कैन रीड इट हेयर, इट इज़ यूज फॉर कंटिन्यूअस सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, ऑब्वियसली मतलब मिसिबल नहीं होना चाहिए। द फीड मिक्सचर एंटर्स एट वन एंड ऑफ द सेपरेटर, द टू लिक्विड्स फ्लो स्लोली थ्रू द वेसल सेपरेट इंटू टू लेयर्स एंड डिस्चार्ज थ्रू द ओवरफ्लो लाइन्स एट द अदर एंड ऑफ द सेपरेटर। तो इसमें एजम्पशंस क्या लिया है इसके डेरिवेशन में, फ्रिक्शन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड लिक्विड इज निग्लिजिबल, ओके। सो ये उसका डायग्राम हो गया, हमें फीड आ रहा है, ए डेंसिटी हायर डेंसिटी रो ए है, और रो भी मतलब जो लाइट डेंसिटी का फ्लूड है वो हो गया, जेड ए उनका इंटरफेस हाइट हो गया, और जेड बी आपका जो लाइट डेंसिटी का फ्लूड है उसका यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस हो गया, और जेड टी क्या हो गया आपका टोटल हाइट हो गया, और जेड ए टू क्या है ओवरफ्लो लाइन जहाँ से हम लोग मतलब नीचे बॉटम लाइन जहाँ से हम लोग हैवी लिक्विड को विदड्रॉ कर रहे हैं, ओके। और ये आपका क्या हो गया वेंट है, यहाँ से मतलब कोई चीज़ वेंट क्यों देते हैं जनरली, कि सपोज आपका वेपर फॉर्मेशन हो रहा है कुछ उसमें नॉन क्या आते हैं आपका नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं जो उसके अंदर क्या कोई टेम्परेचर है तो वेपराइज करना स्टार्ट करे तो क्या प्रेशर बिल्डअप ना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग वेंटिंग का प्रोविज़न देते हैं, धीरे धीरे वेंट के हिसाब से उसको हम लोग निकाल देते हैं, राइट। सो इफ वी डू द नाउ हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस में क्या है इसके ऊपर जो मतलब प्रेशर लगता है तो क्या सबसे पहले क्या होता है जेड बी इंटू रो बी इंटू जी, तो ये क्या जेड बी इंटू रो बी इंटू जी प्लस जेड ए वन इंटू रो ए इसका डेंसिटी हो गया इंटू जी प्लस बी पी बी, तो बी पी वेपर प्रेशर, ओके। तो वेपर प्रेशर मान लीजिए अगर ये एक्सपोज टू एटमोसफेयर है तो दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा बी पी बी, मतलब प्रेशर अभी काउंट कर लेते हैं बाद में देखेंगे अगर वेपर प्रेशर कुछ फ्लूड यहाँ पे होता है तो। अभी जेड ए टू यहाँ पे क्या करना जेड ए टू इंटू रो ए क्योंकि डेंसिटी यही ले रहे हैं रो ए इंटू जी प्लस बी पी ए, अभी क्या बट बोथ आर ओपन टू एटमोसफेयर देन बी पी बी इक्वल टू बी पी, अगर दोनों एंड आपने एटमोसफेयर पे कर दिया एक्सपोज कर दिया तो आपका दोनों सेम आ जाएगा, क्लोज सिस्टम भी बनाते हैं और दोनों जगह क्लोज सिस्टम में, तो जो अगर सपोज यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे कम है बी पी ए का तो अलग वो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, अगर हम एटमोसफेयर में ले लेते हैं तो उसका अकाउंटेबिलिटी करना जरूरत नहीं है दोनों कट जाएंगे सेम है। तो क्या आ जाएगा जेड बी इंटू रो बी प्लस जेड ए वन इंटू रो इक्वल टू जेड ए टू इंटू रो ए, ओके। जेड ए वन क्या इंटरफेस हाइट है इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो, मतलब ये इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ फ्लो पे, बेसिकली आपका देख सकते हैं कौन से पैरामीटर्स जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। नाउ अब जेड बी क्या हो गया जेड टी माइनस जेड ए वन, जेड टी क्या टोटल हाइट हुआ तो जेड बी क्या है जेड टी माइनस जेड ए वन करेक्ट प्लस जेड ए एन टू, इसमें क्या जेड ए वन इंटू रो ए हो गया सेम जेड ए टू इंटू रो ए। अब जैसे जेड एन की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा जेड ए टू माइनस जेड टी इंटू रो बी बाय रो ए डिवाइड बाय वन माइनस रो ए बाय रो ए, तो ये रिलेशन आपका हो गया इंटरफेस हाइट का, इंटरफेस हाइट का क्या है ये रिलेशन हो गया करेक्ट। इसके ऊपर बेस 2016 में एक न्यूमेरिकल आया हुआ था, मतलब बस आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा वैसल नहीं बनाया था बट ओवरऑल जो थीम था इसी के ऊपर बेस्ड था। नाउ ये आपका इंटरफेस हाइट निकालने का क्वेश्चन हो गया, ओके। इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस क्या आपका कंटिन्यूअस ग्रेविटी डिकेंटर, राइट। नाउ विल सी द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ओके। सो टी इज इक्वल टू इम्पेरिकल इक्वेशन है ये, मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है डिजाइन बाय प्रैक्टिकल है, तो टी इज इक्वल टू 100 म्यू डिवाइड बाय रो ए माइनस रो बी, यहाँ पे आपको क्या टी सेपरेशन टाइम निकालेगा आवर्स में निकलेगा, रो एंड रो बी क्या डेंसिटी है ए एंड बी का ये केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, म्यू क्या है विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूअस फेज, जो कंटिन्यूअस फेज का हम लोग विस्कोसिटी निकालते हो क्या वो सीपी में लेना है सेंट्रीपोइज में। एजम्पशंस क्या लिक्विड्स आर क्लीन एंड नो इमल्सन फॉर्मेशन, ये इसके एजम्पशंस हैं करेक्ट। नाउ विल सी द सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर, अभी हमने ग्रेविटेशनल डिकेंटर देख लिया है, पहले हाइड्रोस्टैटिक मतलब पहले देखा क्या हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन हमने सेंट्रीफ्यूगल इक्विलिब्रियम देखा, राइट। नाउ अभी पहले हम लोग यहाँ पे अभी अब उसके ऊपर बेस्ड हमने क्या देख लिया अभी
उसके एप्लीकेशन के ऊपर कंटिन्यूस ग्रेविटी डिपेंड कर। तो हाइड्रोस्टेटिक जो सेंट्रीफ्यूगल हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर बेस्ड भी एप्लीकेशन हम देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिकेंटर। सो यू कैन रीड इट हेयर। वन द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स इज स्मॉल, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मे बी टू वीक टू सेपरेट द लिक्विड्स इन ए रीजनेबल टाइम, द सेपरेशन मे देन अकम्पलिश इन ए लिक्विड लिक्विड सेंट्रीफ्यूज, करेक्ट। सो इन इन ऑपरेशन ऑफ द मशीन द फीड इज एडमिटेड कंटिन्यूसली नियर द बॉटम ऑफ द बाउल, लाइट लिक्विड डिस्चार्ज एट पॉइंट टू, मतलब हमें फीड हमेशा ऊपर से देखें यहाँ पे बॉटम पे आता रहेगा। जो लाइट लिक्विड है आपका वो लाइट लिक्विड विल डिस्चार्ज एट द पॉइंट टू, तो लाइट लिक्विड यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा और हैवी लिक्विड यहाँ से भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, हैवी लिक्विड पासेज अंडर अ रिंग इन वार्ड टूवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्चार्ज ओवर अ डैम एट पॉइंट वन, तो पॉइंट वन पे डिस्चार्ज होगा, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है आप ले देखते हैं, ये क्या है, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। इधर ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, हैवी लिक्विड बन गया, ये क्या आपका लाइट लिक्विड हो गया। यहाँ पे कुछ सॉलिड्स अगर डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा बन सकता है, राइट। और यहाँ पे फीड आ रहा है, राइट। अब ये कंडीशन कब है, जब बाउल एट रेस्ट है, मतलब बाउल रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, तो हैवी लिक्विड नीचे रहेगा, लाइट लिक्विड ऊपर रहेगा, करेक्ट। अगर डेंसिटी वेरिएशन इसमें क्या है आपका बोला है कि बहुत स्मॉल है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करेंगे, करेक्ट। अब सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करेंगे तो उसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। तो जो पी आई माइनस पी ए आपका बनना है, क्या पी आई माइनस पी बी, पी आई आपका इंटरफेस प्रेशर, ओके, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है एट ईच पॉइंट, हाइड्रोस्टेटिक मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब इक्विलिब्रियम कब विजिट करेगा, वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम, मतलब वेलोसिटी उसका कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो जो डेल्टा पी आना चाहिए वो भी आपका कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वरना वेलोसिटी फिर कॉन्स्टेंट नहीं हो। तो पी आई माइनस पी बी, पी आई हो गया माइनस पी बी एट प्रेशर बी इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ए, पी आई माइनस पी ए। अब क्या है, पी आई क्या गया प्रेशर एट द लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, पी बी क्या गया प्रेशर एट द फ्री सरफेस ऑफ लाइट लिक्विड आर बी, लाइट लिक्विड जो आपका आर बी है, करेक्ट, फ्री सरफेस पे यहाँ पे जो लग रहा है, करेक्ट वो, और पी ए क्या प्रेशर एट फ्री सरफेस ऑफ हैवी लिक्विड आर ए, फ्री सरफेस ऑफ हैवी लिक्विड आर ए, आर ए, करेक्ट। तो फ्री सरफेस दोनों एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, फ्री सरफेस मतलब तो यहाँ के पी आई पे सेम रहे, तो दोनों का जो डेल्टा पी आ जाएगा ना वो सेम आ जाएगा, क्योंकि दोनों पी आई जो आपका बेसिकली पी बी और पी ए हो गया ना वो सेम हो गया, क्यों, क्योंकि फ्री सरफेस है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर दोनों हो गया फ्री सरफेस पे, करेक्ट। तो इसका डेल्टा पी निकाल, पी आई माइनस पी बी करेंगे तो ये रिलेशन आएगा, और पी आई माइनस पी ए करेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा। ये कहाँ से आ रहा है आपका, जो हमने अभी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ओके, उसके खेत में जो बैलेंस हमने किया था, कहाँ गया ये ना, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में जो हमने किया था, ये रिलेशन हमारा आएगा, इसी रिलेशन का यूज़ करना है, पी आई माइनस पी बी, पी आई माइनस पी ए। अब जो पी आई माइनस पी पी वन है तो पी वन की जगह क्या रख देना हमें, पी आई माइनस पी ए रख देना है, और एक बार बी रख देना है, करेक्ट। दोनों रखने के बाद आप क्या करोगे, इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट करने के बाद जो आप सॉल्व करो तो आर आई जो इंटरफेस का आपका रेडियस दिखता है इज इक्वल टू अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस रो बी डिवाइड बाय रो ए इंटू आर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन माइनस रो बी बाय रो ए, ओके, जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट करेंगे तो आपका आर आई का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल डिकेंडर प्रिंसिपल, जो भी कोई इस रिलेशन को फॉलो करेगा, ओके, मतलब इस वाले प्रेशर डिफरेंस को फॉलो होगा हाइड्रोस्टेटिक मतलब इक्विलिब्रियम में होगा इन द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, और उसके हिसाब से हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इंटरफेस का रेडियस निकाल सकते हैं, करेक्ट। नाउ विल सी द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, ओके, तो यू कैन सी इट हियर, फॉर द मैनोमीटर सेटअप शोन इन द फिगर द प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी, तो पी ए माइनस पी बी हमें प्रेशर निकालना है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या, अभी एक्सपोज टू एटमोसफेयर नहीं है, करेक्ट, के साथ गेट एग्जाम में किसी ईयर पूछा गया, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो क्या है, अब यहाँ पे हमें क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका बिलो जो होगा उसका डेंसिटी वेरिएशन नहीं होता, तो वहाँ पे एक डेटम लाइन तुरंत खींचा रहेगा, खींचा, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लिखना है वो खटाखट लिख दो। अब पी ए हो गया,
ये डिस्टेंस क्या एक्स मान लिया हमने, एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक का एक्स हो गया, ये वाला डिस्टेंस इतना एच ले लिया है और ये एल ले लिया, टोटल हाइट एच होगा, रो जी एच। तो एक्स प्लस एच प्लस एल के टर्म में इंटू के टर्म में हमें लिखना है, तो रो ए इंटू एक्स, ये डेंसिटी कितना रो रो ए है इंटू एक्स इंटू जी प्लस एच वाला भी सेम है एच इंटू रो इंटू जी। अभी यहाँ वाले का क्या डेंसिटी रोयल है, तो रोयल इंटू डेंसिटी क्या एल इंटू जी। तो ये रिलेशन आपका आ गया इस पॉइंट पे। अब पॉइंट टू पे जो प्रेशर आएगा क्या आएगा, पी बी आएगा एक्स इंटू रो इंटू एक्स इंटू रो आएगा इंटू जी, तो एक्स इंटू रो इंटू जी आएगा, ये क्या रोयल इंटू एल इंटू अगेन जी आ जाएगा प्लस ये कितना क्या रो एच इंटू एच इंटू जी आ जाएगा, करेक्ट। इन दोनों का आप अगर इक्वेट करोगे तो आपका पी ए माइनस पी बी इक्वल टू जी एच रो एच माइनस रो ए, तो ये आपका एक्चुअल में रिलेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड इस दोनों के बीच में आता है, अगर मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया एल रोयल हो गया, यहाँ पे एल रोयल हो, तो इसको हम डायरेक्टली इलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रिलेशन था हमारा वही डायरेक्ट हम उसको यूज़ करके लगा सकते हैं, ओके। तो ये मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आपका दिमाग कितना चलता है देन अकॉर्डिंगली कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब ये बेसिकली आपका दिमाग कब चलेगा, आपका प्रैक्टिस आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व मोर, यू हैव टू सॉल्व मोर, डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ वेंचुरी, ये वेंचुरी आपका दिख रहा है, ओके, ये थ्रोट हो गया और ये एक्सपेंडिंग वाला हो गया। द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ वेंचुरी इंक्लाइनेड 45 डिग्री, वेंचुरी इंक्लाइनेड 45 डिग्री है टू द वर्टिकल एज शोन इन फिगर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मैनोमीटर टू एस्टिमेट द फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू इट, ओके। इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज रो एंड द डेंसिटी ऑफ द मैनोमीटर फ्लूइड इज रो एम, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द थ्रोट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ओके। तो हमें बेसिकली वेलोसिटी निकालना है थ्रोट पे, तो सिंपल सा यहाँ पे दो रिलेशन निकालना है आपको, क्या है सबसे पहले तो आपको बर्नौली इक्वेशन यूज करो पॉइंट वन और पॉइंट टू पे, तो पॉइंट वन हमारा ये हो गया, पॉइंट टू ये हमारा ये हो गया, इन दोनों पे आपको बर्नौली इक्वेशन यूज करना है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, पी वन बाय रो, यहाँ पे क्या है पी वन बाय रो प्लस आपका क्या आ जाएगा जी जेड, तो जेड जेड वन मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया, सपोज हमने रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ले लिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आ गया, करेक्ट। तो ये पॉइंट नंबर वन हमने ये वाला लिया है, अब इसको क्या करना है जेड वन, तो जेड वन में क्या है ये आपका, तो एक एच ले लिया मैंने, दूसरा एक्स इतना पोर्शन ले लिया, तीसरा एच अगर है तो एच का जो अगर ये वैल्यू आपका कितना है 45 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा एच कॉस अल्फा ये एच साइन अल्फा, तो ये वाला जो पोर्शन कितना है एच साइन 45 डिग्री आ जाएगा, तो एच साइन 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या आ जाएगा टोटल जेड, करेक्ट। मतलब जेड वन मतलब यहाँ से हमने वन लिया ना, जेड मतलब ये जेड वन हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस वी वन स्क्वायर, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है वी वन है, तो वी वन स्क्वायर बाय टू। सिमिलरली जेड इस वाले पॉइंट के लिए अपने को बर्नौली इक्वेशन लिखना है, तो क्या पी टू बाय रो प्लस ये कितना है यहाँ से यहाँ तक ये हमने लिया एच प्लस एक्स, तो क्या जी इंटू एक्स प्लस एच, ओके जी जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू, तो वी टू स्क्वायर बाय टू। अब क्या करना है हमें दूसरा, प्रेशर बैलेंस एट पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी हमारा मैनोमेट्रिक जहाँ पे क्या है, हमने पहले बोला था जिसके नीचे डेंसिटी वेरिएशन नहीं उस पर एक डेटा लाइन खींच देने का, तुरंत यहाँ पे आप खींच दो, यहाँ पे आपको क्या करो अभी प्रेशर बैलेंस करो, तो क्या है रो इंटू जी इंटू एक्स, तो ये वाला क्या रो इंटू जी इंटू एक्स प्लस रो एम इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ इसका डेंसिटी की मैनोमेट्रिक फ्लूइड का क्या रो एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे प्रेशर कितना है पी टू। सिमिलरली यहाँ पे भी पी वन प्लस एच प्लस एक्स प्लस एच साइन 45 डिग्री आ गया है इंटू रो इंटू जी। सिमिलरली हाइट का हमें निकालना है यहाँ पे मैनोमीटर में, तो हमें यही निकालना है प्रेशर कितना लग रहा है इतना हाइट का, इसके पी वन प्लस आपको रो जी जेड वन ही है, जेड वन की वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब क्या करना है अपने को, ये इक्वेट करोगे तो पी वन माइनस पी टू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, करेक्ट। और इसमें भी फ्रॉम इक्वेशन वन में से पी वन माइनस पी टू की वैल्यू निकाल सकते हो और उधर रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नाउ इक्वेशन और टू और थ्री को आप इक्वेट करोगे, इक्वेट करने के बाद आपको ये रिलेशन मिल जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी इक्वल टू रो एम माइनस रो बाय रो इंटू एच। तो इस फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछा गया है और यही फॉर्म एक्चुअली ऑप्शन में गेट के क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो गाइस दिस इज हाउ यू यूज द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, एंड इट्स एप्लीकेशन। सो गाइस
दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम. ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच. ये हमारा दूसरा लेक्चर हो गया. नाउ इन द थर्ड लेक्चर विल कंटिन्यू अबाउट फ्लूड फ्लो फेनोमेना. करेक्ट, तो उसमें क्या आपका आइडियल फ्लूड किसे कहते हैं, देन आपका बाउंड्री लेयर सिस्टम, बाउंड्री लेयर क्या होता है, देन आपका आएगा टर्बुलेंट फ्लो, देन कम साइज टू कैरेक्टराइज टर्बुलेंस, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस, ऑल दीज थिंग्स, रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड्स. ओके, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस वन बाय वन, ओके, इन डिटेल्स. सो गाइज, स्टे ट्यून्ड विथ इट. सो गाइज, इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच.